स्वामी जी, सवाल है दीप्ति का। उनके अंकल की उम्र 45 साल है, उन्हें 5 महीने से बुखार और शुगर है। चेकअप कराने पर पेट में इन्फेक्शन और टाइफॉइड निकला है, क्या उपाय है स्वामी जी? पुराने से पुराना बुखार। एक दिन भाई राजीव गुप्ता जी हमारे बहुत बड़े आदमी हैं, तो उन्होंने अपने रिलेटिव को भेजा जी, बोले मेरे को 1 साल से बुखार नहीं टूट रहा। पूज्य आचार्य जी ने उनको सर्वकल्प क्वात और एकम ज्वरनाशक क्वात और देते दिया। 15 दिन के अंदर 1 साल पुराना बुखार ठीक हो गया। पेट का अंदर का इन्फेक्शन पूरा ठीक हो जाता है इससे, कितना ही पुराना बुखार। दूसरा जो टाइफाइड का जो बुखार होता है ना, उसके लिए ये मुनक्का, खूबकला और अंजीर, अंजीर 3, मुनक्का 8-10 और खूबकला 2 ग्राम। ये मुनक्का, खूबकला, अंजीर हमने कई बार बताया हुआ है, पहले मिलता नहीं था लोगों को, हमने वो उपलब्ध भी करा दिया अपने सेंटर्स के ऊपर। तो ये छोटे छोटे उपाय करके, नहीं तो लोगों को बार बार जोंडिस, बार बार टाइफाइड होने से फिर लिवर पूरा ही बैठ जाता है। अगला प्रश्न ले रहा जी। स्वामी जी, अगला सवाल दीप्ति के बाद बाला का है। उनकी उम्र 28 साल है, बैकबोन में टीबी है। स्वामी जी वो जानना चाह रही हैं कि क्या खाएं और कौन सा योगासन करें कि बैकबोन का टीबी दूर हो जाए। तो दीप्ति जी के बाद बाला जी भी ठीक हो जाएंगी। बाला 28 साल उम्र है, बैकबोन में टीबी है। अभी मैंने सक्षम, ये सक्षम की माँ बैठी इधर खड़ी हो ना, सक्षम की माँ, तो इसने तो अपने बेटे को ठीक किया था और दूध में उसको शिलाजी दिया था, उसकी हड्डियों में उसके पूरे ढांचा शेष रह गया था, पूरा शरीर ढह गया था। आज से 17 साल पहले की बात है, बच्चे को दूध में शिलाजीत पिलाया। तो ये बाला के लिए बता रहा हूँ, दूध में शिलाजीत पिलाए और देखो ये मकरासन करें ऐसे। तो ये तो ऐसे ही जो है हम बता रहे थे, मकरासन, भुजंगासन करें, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें, अश्वशिला ले लें, कर्क्यूमिन गोल्ड ले लें, हड्डियों की टीबी खत्म हो जाएगी। और ये बाला ने अपने बेटे सार्थक के ऊपर, सार्थक ना, सार्थक के ऊपर प्रयोग किया हुआ है, दूध में हल्दी, थोड़ा शिलाजीत और अश्वशिला, नहीं तो कर्क्यूमिन गोल्ड और ये भुजंगासन और ये मर्कटासन अभ्यास कर ले। अगला प्रश्न ले लो बाला के बाद। लवप्रीत का सवाल है स्वामी जी, उन्हें स्वामी जी अमित का सवाल है कि कान में परेशानी के बाद डॉक्टर ने 7 दिन के लिए हाई एंटीबायोटिक्स दी थी, जिसकी वजह से लूज मोशन शुरू हो गया, क्या उपाय? ये अमित मैं नहीं हूँ स्वामी जी। मैं पूछने वाली थी। तो, देखो, हैवी एंटीबायोटिक देने के बाद जो है ये लीवर की गड़बड़ी, जैसे भाई बता रहा था शुरू में जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया था, ये सभी को परेशानी होती है। तो हैवी एंटीबायोटिक देने के बाद में, ये मुकेश का भी सवाल है और बहुतों का है, पेट की और टीबी के दवा के बाद लूज मोशन, पेट खराब होना, तो मैंने इसलिए आज ये सारी चीज़ें बताई, कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी, 4-4 गोली कोटेज घनवटी और 4 चम्मच कुटजारिष्ट। मैंने गाय बछड़ों से लेकर के बचपन से मैंने इसका प्रयोग किया है और आज मुझे 40-45 साल हो गए इसका प्रयोग करते करते, हमारे गुरुजी भी करते थे। तो ये कुटजारिष्ट और कोटेज घनवटी अद्भुत है, जिनको दस्त लग जाते हैं, आंतें कमजोर हो जाती है, फिर जो आंतों में सूजन आ जाए तो मैंने बताया था पुनर्नवारिष्ट, कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, आंतें कमजोर हो गई हैं तो फिर कुमारिया सब और ये द्राक्षा सब, ऐसे छोटे छोटे उपाय जो मैं पहले बता चुका हूँ इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से स्वामी जी कोई होम रेमेडीज भी है, किसी का लीवर खराब नहीं मिलेगा आज का जो प्रोग्राम इंडिया टीवी का जिन्होंने देख लिया है। स्वामी जी कोई होम रेमेडीज भी है? अनार जरूर खाएं खाली पेट या सेव। हाँ, होम रेमेडी है ना, एक तो अनार खाएं खाली पेट, ये एक अनार 100 बीमार। अनार, गाजर, चुकंदर का जूस भी बताते हैं इसमें थोड़ा, कहते हैं अनार, गाजर, चुकंदर, ये गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, इसमें थोड़ा एप्पल मिला लो और स्वादिष्ट भी हो जाता है, थोड़ा लौकी मिला लो, एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी, थोड़ा व्हीट ग्रास मिला लो, एलोवेरा मिला लो,
जी स्वामी, तो पूरा ही अंदर का फंक्शन अच्छा हो जाएगा। ये होम रेमेडी है और ये अपने घर में लगाओ ना, भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, मकोई, हमने तो अभियान चलाया हुआ है पूरा जड़ी बूटी दिवस से पूरे देश में। अब ये नए एक युग का सूत्रपात हुआ है, जो कार्य पिछले 3 दशकों में नहीं कर पाया था मैं, उससे ज्यादा कार्य 2.5-3 साल में पूरा हो जाएगा। अब 2.5 सालों में, एक तरफ मेरे 25 साल और एक तरफ ये 2.5 वर्ष, इतना बराबर का कार्य करोड़ों लोगों तक देश और दुनिया में योग पहुंचा दिया। इसके लिए इंडिया टीवी का, रजत शर्मा जी का, ऋतु जी का शुक्रिया, अनीता जी का, और पर्दे के पीछे जो रहते हैं हमारे पंकज जी से लेकर के आप, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, हमारी पूजा, प्रिया और अमित जी और हुसैन जी, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। खाली न्यूज एंकरिंग ही नहीं कर रहे हैं आप राष्ट्र निर्माण का, लोगों को रोग मुक्त बनाने का बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं आपको सुबह सुबह मिलती हैं। और स्वामी जी, आपके मार्गदर्शन में सब हो रहा है ये, इसके लिए तो आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद। स्वामी जी, आपके मार्गदर्शन में और आप जो दिशा दिखा रहे हैं उसी पर चलकर ये सब कुछ संभव है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।